दोस्तों, मिलीपीड एक ऐसी प्रजाति है जिसे हर कोई जानता है और ये दुनिया के लगभग हर कोने में पाए जाते हैं। इस मिलीपीड की बहुत ही प्रसिद्ध विदेशी पालतू प्रजातियां भी हैं और इन्हें ज़्यादातर लंबे समय तक जिंदा रहने वाले जीवों के रूप में जाना जाता है। लेकिन असल में ये कितने समय तक जिंदा रहते हैं, इसके लिए आपको इसके जीवन चक्र को जानना होगा। ये मिलीपीड देखने में थोड़ी बहुत किसी कन खजूरे की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग होते हैं। ये मिलीपीड अक्सर बरसात के समय या किसी गीली जगह पर हमेशा दिखाई दे जाते हैं और ये थोड़े बहुत नहीं बल्कि जगह जगह पर झुंडों में घूमते रहते हैं। आपको बता दूं कि दुनिया में इसकी लगभग 12,000 प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मिलीपीड का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला, और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मिलीपीड ज्यादातर नम, अंधेरी और कोने वाली जगह पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये पानी की कमी से हमेशा जूझते रहते हैं और कोने वाली जगह पर छिपकर ही अपने आप को शिकारियों से बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास अपनी रक्षा के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। और अगर बात करें इसके आकार की, तो इसका आकार 5 से 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है, जो प्रजाति के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस मिलीपीड की दुनिया भर में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, जो कि अलग अलग आवासों में निवास करती है। ये मिलीपीड यौन रूप से प्रजनन करते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये मिलीपीड अंडे देने में सक्षम होते हैं। लेकिन इसकी कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी हैं, जिसमें ये बिना प्रजनन के भी अंडे देने में सक्षम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इनके जीवन चक्र की, तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका ये मिलन 15 मिनट से लेकर घंटों तक चल सकता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। और जैसे ही इनके अंडे देने का समय आ जाता है, उसके बाद ये एक सुरक्षित स्थान की तलाश करती है, जहां ये बड़ी सावधानी से अपने अंडे दे सके। तो जैसे ही इसे कोई सुरक्षित स्थान मिल जाता है, उसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मादा मिलीपीड अपने अंडे देने के लिए गीली मिट्टी वाली जगह की तलाश करती है, जहाँ ये आसानी से बिल खोदकर अपने अंडे दे सके। इनके अंडे बहुत ही छोटे और कैप्सूल की तरह होते हैं, और इसका रंग सफ़ेद, पीला या आदि रंग का भी हो सकता है, और ये एक बार में 30 से 50 अंडे दे देते हैं, और पूरे साल भर में 300 अंडे तक दे सकते हैं, जो प्रजाति के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे ही ये अपने सारे अंडे दे देते हैं, उसके बाद ज़्यादातर प्रजातियाँ अपने अंडों को उसी हाल में छोड़कर चली जाती है। लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां होती है जो अपने अंडों की देखभाल भी करती है, और उसके साथ ही अपने अंडों को और सुरक्षित रखने के लिए अपने अंडों के लिए मिट्टी का एक सुरक्षा कवच भी बनाती है, जो उसके लिए एक चैम्बर की तरह काम करता है। जिसके कारण मिट्टियों में मौजूद इनके अंडों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे बच्चे निकलने से पहले लगभग 3 महीनों तक ये मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। इसके अलावा ये अंडे भी बहुत नाजुक और कमज़ोर होते हैं, और अगर ये अंडे किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो इसके अंदर पलने वाले बच्चों की मौत भी हो जाती है।
तो जैसे ही लगभग 3 महीनों का समय पूरा हो जाता है उसके बाद इससे बच्चे निकलने शुरू होते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि ये अंडे मिट्टी के अंदर दबे होने के कारण इनसे बच्चों को निकलते हुए नहीं देखा जा सकता। तो जैसे ही ये अंडे से बाहर आ जाते हैं उसके बाद ये धीरे धीरे मिट्टी से बाहर आना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटे होते हैं जिसके पास सफ़ेद या भूरा रंग होता है और सिर्फ 4 जोड़ी से ज़्यादा पैर नहीं होते और इसके शरीर के खंड भी बहुत कम होते हैं। ये इस अवस्था में होते हैं जहाँ इन्हें देखभाल की ज़रूरत नहीं होती लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो जैसे ही ये मिट्टी से बाहर आ जाते हैं उसके बाद ये सड़ी गली पत्तियाँ लकड़ी और गली हुई चीज़ों को खाना शुरू करते हैं जिसमें पेड़ पौधों के फल और अन्य चीज़ें भी शामिल होती है और इस तरह ये धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे ये विकसित होते जाते हैं वैसे वैसे ये मोल्टिंग की प्रक्रिया से गुजरते जाते हैं और जब जब ये मोल्टिंग की प्रक्रिया से गुजरते हैं तब तब इनके शरीर के रंगों और खंडों में बढ़ोतरी होती जाती है और इनकी पैर की जोड़ियां भी बढ़ती जाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये तब तक अपनी त्वचा को बदलते रहते हैं जब तक ये पूरी तरह से वयस्क नहीं हो जाते। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिलीपीड को वयस्क होने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लगता है जो प्रजाति के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे ही ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं उसके बाद कुछ प्रजातियां होती है जो सड़े गले पदार्थों के अलावा कुछ कीड़े मकोड़ों को भी खा जाते हैं। ये मिलीपीड अपने जीवन का ज़्यादातर समय अकेले रहकर बिताते हैं और इनका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य खाना होता है और अपने आप को शिकारियों से बचाना होता है जो इनके लिए काफ़ी कठिन होता है। और जैसे ही इनके मिलन का समय आ जाता है उसके बाद ये अपने साथी की तलाश में निकल पड़ते हैं जिसके लिए ये चट्टानों के नीचे झाड़ियों के आसपास आदि जगहों पर तलाश करते हैं। और जैसे ही इनकी तलाश पूरी हो जाती है उसके बाद ये मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं जिसके बाद एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इसके जीवन काल की तो इस मिलीपीड का जीवन काल 10 वर्षों का होता है जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन सबसे बुरी बात ये है कि ये मिलीपीड अपने जीवन काल के अंतिम वर्षों तक नहीं पहुंच पाते और इसका सबसे बड़ा कारण है जंगल की अर्थव्यवस्था और इनके शिकारी जिसके कारण ये अपने जीवन काल समय के पूरा होने से पहले ही मारे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।